उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा हेतु तैयार इस वीडियो में आपका स्वागत करता है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको उन महत्वपूर्ण निर्देशों के माध्यम से मार्गदर्शन करने में मदद करेगा जो आपको परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा के दिन और परीक्षा पूरी करने के बाद पालन करने की आवश्यकता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया सभी दिशा निर्देशों को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से और आसानी से पूरा कर सकें। परीक्षा से कुछ दिन पहले आपको एक ईमेल और एक एसएमएस प्राप्त होगा जो आपको सूचित करेगा कि वेबसाइट पर प्रवेश पत्र होस्ट किए जा चुके हैं। आवश्यक लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करें, फिर प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें। इसके लिए उपयोग में लाया जा रहा फोन नंबर व ईमेल ही आवेदन में पंजीकृत करें। कृपया अपने प्रवेश पत्र के विवरण को ध्यान से जांचें। किसी भी विसंगति के मामले में अपने विवरण के साथ ईमेल हेल्प डेस्क से तुरंत संपर्क करें। आवश्यक रिपोर्टिंग समय और विवरण के साथ प्रवेश पत्र पर अपना नाम, फोटो, परीक्षा स्थल का नाम और पता, परीक्षा तिथि और पाली की कृपया जांच करें। परीक्षा के दिन के लिए आवश्यक निर्देश का भी इसमें उल्लेख किया जाएगा। आपको अपने प्रवेश पत्र में उल्लिखित मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना होगा। परीक्षण केंद्र में फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या पासपोर्ट ही अनुमन्य होगा। कृपया ध्यान दें कि राशन कार्ड को वैध पहचान पत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया अपने दस्तावेजों और प्रवेश पत्र के प्रिंटआउट के साथ परीक्षा से एक दिन पहले तैयार रहें ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज को परीक्षा केंद्र में ले जाने से ना चूकें। अपने दस्तावेजों के साथ आपको परीक्षा केंद्र में केवल एक पेंसिल और रबर यानी इरेजर ले जाने की अनुमति होगी। यदि आप अपने किसी भी दस्तावेज को ले जाना भूल जाते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश करने या परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया जांच लें कि प्रवेश पत्र पर आपका नाम, आपके फोटो पहचान पत्र पर आपका नाम आदि सही है। यदि कोई भी बेमेल है तो आपको परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया परीक्षा केंद्र तक आने की व्यवस्था को पहले ही नियोजित कर लें। निश्चित करें कि आप किसी भी मूल्यवान या प्रतिबंधित वस्तु को ना ले जाएं, क्योंकि परीक्षा केंद्र में उनको सुरक्षित रखने का या उनकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। प्रतिबंधित वस्तुएं जिनको लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश वर्जित है, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, कैलकुलेटर, पेन, धातु की बनी आवश्यक सामग्री, हाथ घड़ी, बड़ी अंगूठियां व अन्य आभूषण जो सामाजिक पहचान ना हो, जैसे कि मंगलसूत्र, कोई भी सामग्री या धारदार वस्तु जो दूसरों की सुरक्षा के लिए हानिकारक या खतरा हो सकती है, पुस्तकें। परीक्षा स्थल के गेट पर आपका प्रवेश पत्र व आपके फोटो पहचान पत्र को सत्यापित किया जाएगा और आपके विवरण केंद्र समन्वयक द्वारा जांचे जाएंगे। जैसे ही आप केंद्र में प्रवेश करते हैं, आपके परीक्षा पाली के अनुसार आवंटित किए गए अपने अनुक्रमांक, भवन मंजिल, कक्ष संख्या की जांच करने के लिए कृपया बैठक योजना बोर्ड देखें। आपको सुरक्षा कर्मियों द्वारा ये जानने के लिए तलाशा जाएगा कि आप कोई प्रतिबंधित सामान नहीं ले जा रहे हैं। महिला उम्मीदवारों को महिला कर्मी द्वारा तलाशा जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान आपके सहयोग का आग्रह किया जाता है। जांच में मेटल डिटेक्टर का भी उपयोग किया जा सकता है, अतः धातु की वस्तुओं का अनावश्यक उपयोग ना करें। परीक्षा कक्ष के लिए बताए गए संकेतकों के अनुसार निर्देशों का पालन करें और केंद्र समन्वयक के निर्देशों का पालन करें। परीक्षा कक्ष के निकट एक बैठक योजना लगाई जाएगी। कृपया परीक्षा कक्ष के सामने अपना अनुक्रमांक ये जानने के लिए देखें कि आप सही मंजिल और कक्ष संख्या पर हैं। संबंधित कक्ष के निकट सत्यापन डेस्क पर सत्यापन अधिकारी आपकी फोटो और अंगुली निशान यानी फिंगरप्रिंट लेगा और आपको परीक्षा कक्ष की ओर निर्देशित करेगा। एक बार जब आप परीक्षा कक्ष में पहुंच जाते हैं,
तो परीक्षा प्रशासक आपके प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र को सत्यापित करेगा। अपने अनुक्रमांक के अनुसार आपको आवंटित किए गए कंप्यूटर पर कृपया बैठ जाएं। यदि आपको किसी भी तरह की सीटिंग सहायता की आवश्यकता हो तो आप परीक्षा कक्ष प्रशासक से पूछ सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत इस सारी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य है। कृपया निर्देशों को ध्यान से सुनें और इनका पालन करें। उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करें और आपसे प्रवेश पत्र लेने से पहले परीक्षा प्रशासक उस पर हस्ताक्षर करें ये सुनिश्चित करें। कृपया अन्य अभ्यर्थियों से बातचीत ना करें। अभ्यर्थियों के बीच की कोई बातचीत या अनुचित साधन का उपयोग परीक्षा की शुचिता बाधित करना माना जाएगा एवं अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी भी प्रतिबंधित वस्तु, मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ आदि का उपयोग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। एक बार परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा समाप्त होने तक अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। चिकित्सा आपातकाल को छोड़कर बायो ब्रेक की अनुमति नहीं है। चिकित्सा स्थिति वाले उम्मीदवारों को अपनी चिकित्सा स्थिति को प्रमाणित करता हुआ डॉक्टर का प्रमाण पत्र पहले से ही देना होगा, जिससे उन्हें शौचालय या अन्य सहयोग दिया जा सके। परीक्षा की शुरुआत। निर्देशों का पालन करें और अपने अनुक्रमांक तथा दिए गए पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। एक बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको परीक्षा संबंधी निर्देश स्क्रीन पर दिखेंगे। इसकी भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी। कृपया निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। ऊपरी दाएं कोने पर ड्रॉपडाउन टॉगल विकल्प का उपयोग करके आप भाषा बदल सकते हैं। एक बार जब आपने निर्देश पूरा पढ़ लिया हो तो कृपया एग्री बटन पर क्लिक करें और क्लोज पर क्लिक करें। परीक्षा शुरू करने से पहले अपने अनुक्रमांक, नाम, फोटो और हस्ताक्षर को कंप्यूटर स्क्रीन पर जांच लें, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि आप अपने लिए निर्धारित कंप्यूटर पर ही बैठे हैं। इसके बाद निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन के दाएं कोने पर टाइमर होगा जो लगातार आपको समय की जानकारी देगा। यदि किसी तकनीकी कारण से आपके कंप्यूटर में व्यवधान आता है तो ऐसे व्यवधान के बाद टाइमर वही से शुरू होगा। ऐसे में परीक्षा के समय की कोई हानि नहीं होगी। आप अपनी पसंद के विकल्प पर क्लिक करके अपना उत्तर दे सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर आप अगले प्रश्न पर जा सकते हैं। कृपया प्रत्येक प्रश्न के अंक पर ध्यान दीजिए और यदि ऋणात्मक अंक है तो उस पर भी ध्यान दीजिए। कृपया ध्यान दें कि जैसे ही आप प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करेंगे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पैनल दिखेगा जो प्रश्न हल करने की स्थिति को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित करेगा। इस पैनल में प्रत्येक प्रश्न संख्या अंकित होगी व अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न को क्लिक कर उस पर जा सकता है। पैनल में हरा रंग उन प्रश्नों के लिए जिनके उत्तर दिए जा चुके हैं, नीला उन प्रश्नों के लिए जिनके उत्तर दिए गए हों लेकिन बाद में समीक्षा के लिए बुकमार्क किए गए हों, लाल उन प्रश्नों के लिए जिनके उत्तर ना दिए गए हों लेकिन बाद में समीक्षा के लिए बुकमार्क किए गए हों, भूरा उन प्रश्नों के लिए जिनके उत्तर अभी तक ना दिए गए हों। बाद में समीक्षा करने के लिए किसी भी एक प्रश्न को बुकमार्क करने के लिए ऊपरी दाएं कोने पर बुकमार्क विकल्प पर क्लिक करें। यदि आप अपना उत्तर बदलना चाहते हैं तो कृपया लाल बटन पर क्लिक करें। यदि आपकी परीक्षा में कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है तो वर्चुअल कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए शीर्ष पर कैलकुलेटर विकल्प पर क्लिक करें। एक बार जब आप अपनी परीक्षा पूरी कर लेते हैं तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपको 3 चेतावनियां मिलेंगी। यदि आप परीक्षा पर वापस जाना चाहते हैं तो गो टू टेस्ट बटन पर क्लिक करें और ये आपको परीक्षा पृष्ठ पर वापस ले जाएगा। यदि आप अपनी परीक्षा समाप्त करना चाहते हैं तो फिनिश बटन पर क्लिक करें। अंतिम चेतावनी में आपको सूचित किया जाएगा कि परीक्षा पृष्ठ पर वापस जाने का ये आपका अंतिम मौका है। फिर आप अंतिम बार फिनिश बटन क्लिक कर परीक्षा पूर्ण कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि परीक्षा की अवधि समाप्त हो गई है तो कंप्यूटर स्वतः ही आपकी परीक्षा समाप्त कर देगा। परीक्षा खत्म हो जाने पर रफ शीट सौंप दें और जांच लें कि आपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है।
परीक्षा के पश्चात। परीक्षा के बाद निर्धारित अवधि में आयोग उत्तर कुंजी व प्रत्येक अभ्यर्थियों के प्रश्नोत्तरों को आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए अपलोड करेगा। अभ्यर्थी उसका प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। निर्धारित अवधि के लिए प्रश्न या उत्तर को चुनौती देने का अवसर भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। उत्तर कुंजी का प्रकाशन, अभ्यर्थी के उत्तर पत्र आदि के प्रकाशन की जानकारी आयोग द्वारा ईमेल या एसएमएस से दी जाएगी। अभिलेख सत्यापन के समय लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक्स को पुनः सत्यापित किया जाएगा। केवल वे अभ्यर्थी जिन्हें सफलतापूर्वक सत्यापित किया जाता है उन्हें ही अभिलेख सत्यापन की अनुमति दी जाएगी। दृष्टिहीनता, लोकोमोटर विकलांगता और सेरिब्रल पॉल्सी आदि दिव्यांग श्रेणी की अभ्यर्थी की मांग पर लिपिक की सुविधा दी जाएगी। इस श्रेणी या अन्य श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थियों को सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वो व्यक्ति लिखने या टाइप करने के लिए शारीरिक रूप से बाधित है और एक सहायक आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी आयोग के सचिव को प्रवेश पत्र जारी होने के 3 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से सप्रमाण अनुरोध ईमेल पर भेजेंगे। अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के सहायक को लाने की अनुमति दी जाएगी, किंतु सहायक की अर्हता संबंधित पद की न्यूनतम अर्हता मानदंड से कम होनी चाहिए। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए निर्धारित अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे प्रवेश पत्र अपलोड होने के बाद हेल्प डेस्क के संपर्क में रहें और उन्हें अपनी आवश्यकता के बारे में सूचित करें।